बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वीडिश, जैसे कि लजीजा रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। एक डिब्बा हमने लिया है लजीजा रसमलाई का, और एक अदद अंडा लिया है, और चीनी हाफ प्याली, कुकिंग ऑयल 5 चम्मच, और ये पिस्ते और बादाम। तो आइए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। जी व्यूअर्स, ये हमने लिया है 1 से 1.5 लीटर दूध, इसको हमने बॉइल होने के लिए रखा हुआ था। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये पिस्ते और बादाम। और चीनी, इसको हम पकने देंगे। और उधर हम तैयार कर लेते हैं रसमलाई की। रसमलाई के बॉल्स तैयार कर लेते हैं। जी वह सबसे पहले हम डालेंगे रसमलाई का पैकेट, और इसमें शामिल करेंगे ये अंडा हम फेंट लेंगे। और 4 चम्मच हम इसमें अंडे के शामिल करेंगे। जो 4 स्पून हम लिए कुकिंग ऑयल, उसको हम अच्छी तरह चम्मच की मदद से गूंद लेंगे। इसको अच्छे से हाथ की मदद से गूंद लेंगे। ताकि मिक्सचर हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। ये हमें थोड़ा सख्त लग रहा है, हम इसमें अंडा और शामिल कर लेंगे। मेज़ा हमारा तैयार है। अब हम हाथों को लगा लेंगे कुकिंग ऑयल, और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से इसकी बॉल बना लेंगे। अच्छी तरह इसके बॉल्स बना लेंगे, और
ये बॉल्स हमारी बन चुकी हैं। अब इसको हम दूध में डालेंगे। जी बस दूध भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने बॉल्स बनाई हुई है, इसको एक एक करके हम दूध के अंदर डालेंगे। फ्लेम इसका फुल कर देंगे और 5 से 10 मिनट इसको फुल आंच पर बॉईल आने तक पकाएंगे। अब गोलियों को हल्के हल्के चम्मच से दबाएंगे। आहिस्ता से इसको करते रहेंगे, पलटते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसको। जी बस देखें 5 से 7 मिनट हमने इसको हल्के से पलट दिया था और रसमलाई हमारी तैयार है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। जी बस इसको हम बड़े प्यार से आराम से निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। जी बस देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही मजे की रसमलाई हमारी तैयार है। आइए करते इसको चेक करवाते हैं आपको। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम बहुत मजे की रसमलाई हमारी बनी है। प्लीज आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत कम वक्त में बनने वाली बहुत मजे की स्वीट डिश है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।